हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फाइनली IBPS PO, IBPS SO एंड IBPS क्लर्क, इन सभी का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया, आप इन्जॉय करिए आज का दिन, पूरा का पूरा इन्जॉय करिए आप। और ऐसे काफ़ी लोग होंगे जिनका आज इनमें से किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो जिनके साथ ये हुआ है। मेरे साथ भी यही हुआ है, कोई सिलेक्शन नहीं हुआ इस साल भी, अगेन फेल्ड। ठीक है, पूरा का पूरा साल चले गया IBPS का और सारे के सारे एग्ज़ाम में किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 2021 में हमने सोचा था कि IBPS का नोटिफिकेशन आया हुआ है, चलो कोई ना कोई एग्ज़ाम हम क्रैक करेंगे। सोचा था कि RRB PO बनूंगा, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत किया था, बट मेंस एग्ज़ाम में काम ख़राब हो। तो मेरे दोस्त का भी सेम कंडीशन हुआ था, उसका भी आज फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। सो जैसे ही RRB PO का एग्ज़ाम ओवर हुआ, तो हमने बोला कि चलो अब वो तो एग्ज़ाम ख़राब चले गया, अब हम लोग फोकस करेंगे IBPS क्लर्क पे। कैसे भी करके IBPS क्लर्क बनना ही बनना है। ठीक है, सो उसकी प्रिपरेशन में हम लग गए, लेकिन क्या बताओ, किस्मत इतनी ख़राब कि प्री ही नहीं निकला उसका। ठीक है, मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, तो उसमें प्री ही नहीं निकला था, और उसका भी वैसा ही हुआ। ठीक है, काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट के बावजूद फिर IBPS PO आया। IBPS PO का प्रीलिम निकला कि चलो सोचा कि इसका मीन्स देंगे, इसका मीन्स हो सकता है क्लियर हो जाए हमारा, लेकिन फिर अगेन फेल्ड। ठीक है, फिर से फेल, उसका भी फेल, मेरा भी फेल। मतलब सोचो पूरे के पूरे एग्ज़ाम गए पूरे 2021 के। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने IBPS PO मेंस क्लियर किया था, उन्होंने इंटरव्यू तक दिया था, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया होगा उनका, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसकी भी फीलिंग मैं समझ सकता हूँ कि क्या फील होता है उस समय। ठीक है, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू दिया है, 2-3 बैंक के मैंने भी इंटरव्यू दिया है, लेकिन फिर भी फाइनली उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया था, लेकिन फिर भी फाइनल लिस्ट में नहीं आया, तो बहुत बुरा लगता है। मुझे भी बहुत बुरा लगा था, बट फिर मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों से अब क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कि मैं रोऊं या मैं डिप्रेशन में जाऊं, उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, उससे थोड़ी मेरा कोई फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों पर अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। ये मुझे मतलब दिल से ऐसी आवाज़ आती है, ऐसा मेरा दिल बोलता है कि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन लेता नहीं हूँ। सो आपको भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये नहीं सोचना है कि ये साल भी गया, इस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या होगा हमारा, ये सब चीज़ें नहीं सोचना है दोस्तों। अब जो हो गया उसको जाने दो, और आगे की सोचो कि आगे आपको क्या करना है, कैसे आपको अपने कमियों को दूर करना है, किस तरीके से सिलेक्शन लेना है, ये अब आपको सोचना है। क्योंकि आप ये भी सोच सकते हैं कि जितना भी आपका कॉम्पिटिशन था, उन सब का इस बार सिलेक्शन हो गया है, अब अगले साल जो है आपका ही नंबर है, आपका ही जॉब होने वाला है, आपको एक सीट मिलने वाली है, अगले साल की आपकी एक सीट पक्की है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को सोच के आप जो है अपने आप को मोटिवेट करो कि जितना भी कंपटीशन था वो ख़त्म हो चुका है। मैक्सिमम इस साल जितने भी IBPS के एग्जामिनेशन होने वाले या जो भी बैंक के एग्जामिनेशन है, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए, ये आपको सोचना है और उस पर आपको काम करना। अब जो हो गया उस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, आगे की अपनी प्रिपरेशन करते जाना है। तो आई विश कि 2022 में आप सभी का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, मैं ऐसा विश करता हूँ। और इसी के साथ साथ इस वीडियो को यही मैं वाइंड अप करता हूँ। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।